एक क्रिमिनल को बचाने के लिए किस तरह से बिहार की सरकार ने जो कानून में संशोधन कर दिया, वो भी डीएम का, जो डीएम तो हत्या, जो डीएम था डीएम कृष्णैया, उनकी हत्या बेरहमी से की गई थी, मगर एक भी दलित नेता, एक भी पिछड़े समाज के नेता, एक भी मुसलमान नेता कोई बोलने तक को तैयार नहीं है, क्योंकि वो बाहुबली है, क्योंकि वो उनकी भी हत्या करवा सकता है, और सरकार उनके इशारों पर नाच रही है। तो कब तक हमारे दलित पिछड़े बहुजन मुस्लिम अकलियत समाज के लोग नाचते रहेंगे इन बहुरूपियों के सामने? आप देखे होंगे कि किस तरह से पूरे बिहार में खास करके दलित युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। हाजीपुर के राकेश पासवान जी, नालंदा के मुन्ना पासवान जी, तो इन्हें रोकने के लिए हम सभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी, मान्यवर काशीराम जी के अनुयायी, बहन मायावती जी के साथ चलने वालों को एकजुट होकर के इन मनुवादी ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा। इन बहुरूपियों के सामने हमें न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर के नीले झंडे के नीचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ मन। बिहार के युवा नेता अमर आजाद साफ शब्दों में कह दिया है कि जिस तरह से बिहार में ये सरकार की रवैया चल रही है, दलित विरोधी सरकार हो गए हैं, और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि मजबूर कर रहे हैं दलितों को। जिस तरह से बिहार में दो दलितों की हत्या हो गई है, एक राकेश पासवान और दूसरा जो नालंदा में हुआ है वो भी पासवान जाति को मार दिया गया है, तो साफ उन्होंने कहा है कि अब ये सरकार दलित विरोधी सरकार है। अब हम लोग इन लोग से मतलब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन अमर आजाद सबसे पहले क्या कुछ कर रहे हैं, आप वो वीडियो सुने। हम लोग यहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई किस बैनर तले, किस पार्टी तले लड़े, इसलिए हम लोगों का यहाँ मिलन हो रहा। और देश की सबसे बड़ी सामाजिक न्याय की पार्टी, मान्यवर काशीराम जी के विचारों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी जो हमारी है बसपा, आज उनके साथ बिहार के वर्तमान साहू जी महाराज, गरीब दलितों पिछड़ों के नेता श्री अनिल कुमार जी का तन मन धन से रंग से मिलन हो रहा है। इसके लिए हम मान्यवर श्री अनिल कुमार जी, बहन मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम कहना चाहते हैं। देखिए साथियों, जिस तरह से बिहार में पिछड़े समाज की सत्ता है और किस तरह से मनुवादी लोग उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखे होंगे कि किस तरह से पूरे बिहार में खास करके दलित युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। हाजीपुर के राकेश पासवान जी, नालंदा के मुन्ना पासवान जी, बक्सर, भभुआ, कई जिला में दलितों की हत्याएं हो रही है, तो इन्हें रोकने के लिए हम सभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी, मान्यवर काशीराम जी के अनुयायी, बहन मायावती जी के साथ चलने वालों को एकजुट होकर के इन मनुवादी ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा, तभी हमें सामाजिक न्याय मिलेगी, उन गरीब दलितों को न्याय मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कि एक क्रिमिनल को बचाने के लिए किस तरह से बिहार की सरकार ने जो कानून में संशोधन कर दिया, वो भी डीएम का, जो डीएम तो हत्या, जो डीएम था डीएम कृष्णैया, उनकी हत्या बेरहमी से की गई थी, मगर एक भी दलित नेता, एक भी पिछड़े समाज के नेता, एक भी मुसलमान नेता कोई बोलने तक को तैयार नहीं है, क्योंकि वो बाहुबली है, क्योंकि वो उनकी भी हत्या करवा सकता है, और सरकार उनके इशारों पर नाच रही है। तो कब तक हमारे दलित पिछड़े बहुजन मुस्लिम अकलियत समाज के लोग नाचते रहेंगे इन बहुरूपियों के सामने? हमें न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर के नीले झंडे के नीचे रहना है। बहन कुमारी मायावती जी, जो हमारे अनिल कुमार जी को जो दायित्व दिए हैं, एक मजबूत स्तंभ है बिहार के, बिहार के साहू जी महाराज कहे जाते हैं, तो तमाम जो युवा है, हम चाहेंगे बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी प्रभारी जी आए हैं, युवाओं पर फोकस करके उन्हें एकजुट कर करके
भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय, बंधुता, समानता, और जो हमारा बसपा का उद्देश्य है, बहन मायावती जी का उद्देश्य है, जो कांशीराम जी का उद्देश्य रहा है बहुजनों को एकजुट करके सामाजिक न्याय दिलाने का, और सत्ता के सभी साधनों पर हम लोगों को कब्जा करना है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिस कारवा को हम लोगों ने इतना आगे तक ले गया है, तो आप लोग इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करिएगा, पीछे जाने का प्रयास कभी नहीं करिएगा। तो आप लोग साथ है ना सभी कोई, बहन मायावती जी के, अनिल जी के साथ है ना? हम लोगों को एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता है और लड़ने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो डर गया वो मर गया। और हम लोग तीन बार अभी तक हम जेल जा चुके हैं बिहार के दलित आंदोलन, बिहार के दलित के छात्रों और छात्रवृत्ति के लिए, और तमाम जो बहुत सारे नेताओं को हम लोगों ने एकजुट करके मदद करने का भी काम किया है। तो युवा एक ताकत है, और जो पार्टियां युवाओं को महत्व और तरहीज देगी वो सत्ता में आएगी, उसे सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। जय भीम, जय काशी। छात्रवृत्ति भी बंद हुई है, उसके लिए तो हम लोग लड़ाई लड़े ही हैं, और उसके लिए भी लगातार अब बसपा के ही हम लोग अंदर आ गए हैं, तो और मजबूत से लड़ाई लड़ेंगे। जय 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 भीम। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, अनिल कुमार जिंदाबाद, रामजी गौतम जिंदाबाद। तो जैसा कि आपने सुना, जो तमाम बातें अमर आजाद खुद कर रहे हैं कि बिहार में जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार की, वो दलित विरोधी सरकार है, और जिस तरह से बिहार में जो कानून की धज्जिया उड़ रही है, लगातार हत्या पे हत्या हो रहे हैं, वो खुलकर बोले हैं। तो बस इस तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।